दोस्तों खासकर अगर बात की जाए यहाँ पे किराना स्टोर की, तो किराना स्टोर में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो है कार्टन, जिसे आप गत्ता बोलते हो। हर एक चीज़ में यहाँ पे गत्ता आता है दोस्तों, चाहे वो तेल का सामान हो या फिर मसाले आइटम्स हो या फिर जो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे टॉफ़ी वगैरह है दोस्तों, कोई भी चीज़ आती है वो गत्ते में पैक होके आती है या फिर कार्टन जिसे बोलते हैं आप। हर एक जगह यहाँ पे देख सकते हो, हर एक जगह अवेलेबिलिटी है। मसाले में भी अगर देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए जहाँ तहाँ आपको गत्ता देखने को मिलता है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे पटाखा आइटम है, उसमें भी दोस्तों गत्ता देखने को मिलता है। हर एक जगह यहाँ पे कार्टन धागा का डब्बा सब है, उसमें भी कार्टन देखने को मिलती है। यहाँ पे गोदाम देखिए दोस्तों, बिस्किट सब भरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्फेक्शनरी की है, लेज कुरकुरा टेढ़े मेढ़े ये सब है, उसमें भी गत्ता ही गत्ता है दोस्तों। हर जगह पे यहाँ पे कार्टन ही कार्टन देखने को मिल रही है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बिजली का आइटम है, इसमें भी आपको कार्टन ही कार्टन देखने को मिल रही है। तो ये क्यों देखने को मिल रही है दोस्तों, इससे आप कैसे अर्न कर सकते हो, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में आप लोग को डिटेल से मैं बता रहा हूँ। देखिए तो चलिए यहाँ पे काउंटर में देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए दोस्तों कार्टन की, तो ये एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है किराना स्टोर में, क्योंकि दोस्तों जो भी माल आती है यहाँ पे वो कार्टन में यूज होके या कि पैक होके आती है, तो उस पैकेट को अगर सेफ रखना चाहिए दोस्तों, अगर किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट यहाँ पे सेफली कस्टमर के पास पहुँचाना है, तो उसको पैकिंग ज़बरदस्त रखनी पड़ती है। पैकिंग की भी एक अलग इंडस्ट्री होती है, पूरी की पूरी सेटअप है दोस्तों उसकी, तो उसी में आपको रिवेन्यू कैसे खोजना है। देखिए मार्केट रेट जहाँ पे मंडी है दोस्तों, जहाँ से हर एक जिला में पहुँचता है, जैसे हमारे लोग का बाज़ार समिति है दोस्तों, दरभंगा बाज़ार समिति हमारा 20 से 25 किलोमीटर दूर है हम लोगों से, फिर भी हम लोग वहीं पर जाते हैं। पूरा साल का यहाँ पे कार्टन मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आगे में भी दुकान के आगे में भी यहाँ पे रखा जाता है। तो तकरीबन दोस्तों 20 से 25 किलो प्रत्येक दिन का हम लोगों का कार्टन निकल जाता है। तो मान लीजिए अभी 10 रुपये की रेट चल रही है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है दोस्तों, लगन नहीं है, लगन त्यौहार में इसका रेट दुगुना भी हो जाता है, 10 से 15 भी चला जाता है, 20 भी चला जाता है, डिपेंड करता है कि कैसा यहाँ पे डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे आम के मौसम में होता है दोस्तों, गर्मी जैसे मई जून जुलाई यहाँ पे, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है कार्टन की, क्योंकि उस समय में आम का सीज़न रहता है, बिहार में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होती है आम की, तो उसी को पैक करके बाहर में भेजने के लिए या फिर मार्केट में सेल करने के लिए यहाँ पे यूज होती है कार्टन की। तो मान लीजिए 10 रुपये है, तो प्रत्येक दिन मेरा 15 से 20 किलो हुआ, तो 200 रुपये का आसानी से यहाँ पे आपको रिवेन्यू आ जाता है दोस्तों, कमाई हो जाती है कार्टन से। तो अगर 15 से 20 किलो ही आया, 200 रुपया ही हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा हो गई दोस्तों, जो कि अगर कोई प्रोडक्ट आप रेट टू रेट ही बेच देते हो और उसकी कार्टन से आपको 150 से 200 रुपये आसानी से मिल जाती है, तो वो एक प्रॉफिट ही माना जाएगा। क्योंकि क्या नहीं बिकती है दोस्तों, मिट्टी भी आजकल बिकती है, अगर आपके खेत पड़ा हुआ है तो उसमें से मिट्टी भी आप बेच सकते हो, उसकी भी वैल्यू आती है दोस्तों, 600 से 700 रुपये ट्रैक्टर यहाँ पे मिट्टी बिकती है। तो कितना ज़्यादा पोटेंसी है दोस्तों यहाँ पे किराना स्टोर में, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप हताश नहीं हुए दोस्तों, उम्मीद लगाए रखिए, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। ये पाई पाई करके जोड़ने वाला बिजनेस है, तो आपको घबरानी नहीं है। फेंक दी ऐसा रोड पर, फेंक दी रोड पर, फेंक दी, हाँ फेंक।